आज मैं आ गया हूँ पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में, जहाँ पर एक शख्स ने खास तौर से हमें यहाँ बुलाया है। वो ये बताना चाहते हैं कि आखिर कच्ची कॉलोनी के पक्की होने के पीछे का सच क्या है, और पत्रकार होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं सच की खोज करूँ। तो चलिए, मैं अपना धर्म पूरा करता हूँ और सच की खोज करता हूँ। आइए। भट्टाचार्य जी, वेलकम सर। शरद शर्मा, एनईटी से। मैंने आपको टेलीफोन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लीज बी सीटेड। आप बैठे पहले, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ बताना चाहते हैं, क्या है? मैं यहाँ का RWA का प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये न्यू अशोक नगर कॉलोनी। हाँ, मैं पूरी कॉलोनी के RWA, जिसका नाम पूर्वांचल कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ, उसका प्रेसिडेंट हूँ। ठीक। मैं आपको रेगुलराइजेशन के बारे में, हाँ, बातचीत करने के लिए यहाँ बुलाया। मैं इस कॉस्ट ऑफ लैंड के सब्जेक्ट में आपसे बात करने के लिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लैंड। अच्छा, किस तरह से आपकी, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि कॉलोनी का नाम जो है लिस्ट में है, इसमें है, लेकिन अभी तक रेगुलराइज नहीं हुई है। नहीं, ये क्योंकि ये पब्लिक लैंड में है। सितंबर वाली में नाम है आपका? हाँ, ठीक ठीक है। अच्छा, आप बताइए कॉस्ट ऑफ लैंड आपके कैसे? भट्टाचार्य साहब ने मुझे दरअसल रिकवरी ऑफ लैंड कॉस्ट के बारे में बताने के लिए बुलाया था, यानी कि वो कीमत जो कि अवैध कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति को अपने घर का मालिकाना हक पाने के लिए चुकानी होगी कॉलोनी वैध होने के बाद। ठीक। अब आता है, 24 मार्च 2008 को एक गेजेट छपा था। अच्छा, ये जो ये, है, हाँ, द गेजेट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का, हाँ, राजपत्र है। ठीक है, राजपत्र। हाँ, इसमें क्लॉज 6 में, क्लॉज 6 में कॉस्ट ऑफ लैंड के बारे में लिखा गया। अरे, ये 2008 में आपको ये, हाँ, मिला हुआ है। दादा ने मुझे 24 मार्च 2008 का गजट नोटिफिकेशन दिखाया और बताया कि 2008 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते वक्त सरकार ने मालिकाना हक पाने के लिए 575 रुपए मीटर का रेट तय किया था, साथ ही 5 से लेकर 25% तक की पेनल्टी भी रखी थी, जिसकी कुल रकम 100 मीटर में बने घर के लिए 40 से 50 हजार ही बैठती है। लेकिन अब उनको खबर मिली है कि सरकार 5 साल बाद उनसे कुछ और ही वसूलेगी। डेवलपमेंट चार्जेस 575 मीटर पर मीटर स्क्वायर, हाँ, इक्वल टू 57,500। 57,500 हो जाएंगे, ठीक है। पेनल्टीज एट प्रेजेंट सर्कल रेट, पेनल्टीज एट प्रेजेंट सर्कल रेट 10% ऑन 38,600, दैट इज 3,86,000। अच्छा, तो एक जिनके पास 100 मीटर स्क्वायर तक प्रॉपर्टी है, हाँ, उनको 4,63,500 रुपया देना पड़ेगा। 100 मीटर तक का जो है जी, ये अब देना पड़ेगा, हाँ, जो अभी का है। अभी बताइए, और पहले जो था वो कितना देना पड़ता है? ₹575 माइनस 30% ऑफ इट, हाँ, करीब 150 रुपया या 160 रुपया निकाल दीजिए 575 में से। उनमें भी 5% पेनल्टी जोड़ दीजिए फिर, उसके ऊपर, हाँ, उसके ऊपर। खबर रखने का काम केवल रिपोर्टर ही नहीं करता, ये दादा की बात सुनकर पता चल रहा है। दादा को कहीं से खबर मिली कि सरकार 200 रुपए प्रति मीटर रजिस्ट्रेशन फीस, 575 रुपए प्रति मीटर विकास शुल्क और सबसे बड़ा झटका सर्कल रेट का 10% पेनल्टी के तौर पर वसूलेगी, और उनके यहाँ सर्कल रेट करीब 38,000 रुपए मीटर के पार है। देर हुई है, हाँ, गवर्नमेंट ने देर किया, हाँ, गवर्नमेंट अपना ड्यूटी जो क्लॉज नंबर 5 में लिखा हुआ है 24 मार्च का गेजेट में, हाँ, वो पूरा नहीं कर पाया, हाँ, जबकि भुगतना हमें पड़ रहा है। अच्छा जी, चलता हूँ मैं। दादा की बात सुनकर कॉलोनी में 12 साल से रह रहे वासुदेव गुप्ता के यहाँ गया। वासुदेव के घर में कुल 5 सदस्य हैं, बुक बाइंडिंग से हर महीने 7 से 8 हजार रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, तो बाइंडिंग का काम है आपका, बुक बाइंडिंग का? हाँ जी। अच्छा, कॉलोनी रेगुलर हो रही है, तो आपको क्या कितना फायदा लग रहा है, कितना फायदा हो जाएगा आपको?
सर हमें तो जब बेचना ही नहीं है तो फायदा क्या होगा? हाँ, जब हमें बेचना ही नहीं तो फायदा क्या होना है? हमें तो रेगुलाइज हो जाए बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यह है कि जो हमने सुना है कि पैसे सरकार ज्यादा ले रही है। हाँ, ये जो है हम हमारे बस की नहीं है। ज्यादा कितना ले? जैसे आपका जो घर है कितने मीटर में बना हुआ है? 100 मीटर में। करीब 100 मीटर में आपका ये घर है। हाँ, अच्छा, तो कुछ हिसाब लगाया आपने पहले और अब में कितना वो हो रहा है? सर पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, और ये समझ लो पहले से और अब में कम 10 गुना से ज़्यादा। 10 गुना मतलब पहले कुछ 2008 में जब प्रोविडेंट सर्टिफिकेट मिले थे जी सर, तो तब कितना हिसाब बन रहा था? तब तो लगभग वही 35-40 हज़ार के करीब बन रहा था। अच्छा, और अब कितना बता रहे हैं? अब तो सर ऐसे 4-4.5 लाख रुपए से ऊपर बता रहे हैं। 4-4.5 लाख रुपए। इतनी रकम चुका पाने में असमर्थ हैं, पर चलिए इनके घर से चलने से पहले गणेश जी के वाहन से मिलता चलूं। अच्छा, जानने वालों में तो इससे फायदा क्या है रखने का? देखो आमतौर पर चूहे हाथ में आते नहीं है, तो गोदी में चढ़ता है तो पहचान जाएगा। ये सर जो है इससे जो काले चूहे हैं ना वो नहीं आते। अच्छा, रहने से। अच्छा, हाँ बस ये है। और ये दोस्त भी अच्छा लग रहा है कि आप हाथ में आ जाता है, देखिए। अरे वाह, जिंदगी पहली बार जो है चूहा हाथ में आया है। अच्छा, कंधे पे भी चढ़ जाता है? कंधे पे बिस्तर में चढ़ जाएगा। अच्छा, रात में। अच्छा, इससे और चूहे जो है नहीं आते हैं?